आइए एग्जाम्पल 27 का थर्ड पार्ट डन या कंफ्यूजन अटक गए, चेक करते हैं। देखो बेटा मैं अगर आपकी जगह ना मैं क्या करूंगा, मैं विदाउट लिमिट के करूंगा इसे। अच्छा कौन सा टॉपिक है, सवाल ही आता सबसे पहला पार्शियल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही कहा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, राइट। अब एलसीएम एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ए अपॉन एक्स प्लस टू बी अपॉन एक्स प्लस वन, क्या करूंगा सर याद है, एक्स की वैल्यू माइनस टू, तो माइनस टू इज इक्वल्स टू सीधा बी इंटू माइनस टू प्लस वन, तो बी कितना आ गया टू, पुट करो एक्स की वैल्यू कितना माइनस वन, माइनस वन इज इक्वल्स टू ए इंटू माइनस वन प्लस टू प्लस बी इंटू माइनस वन सीधा जीरो, ए की वैल्यू कितनी आई माइनस वन, राइट। तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, क्लियर। कंफ्यूजन किसको है, नो वन। अब इंटीग्रेशन किसका करना है मेरे को फाइनली, तो माइनस डी एक्स सीधा ऐसे लिख देते अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस टू, क्या हो जाएगा सर माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस टू, ठीक है। साथ में क्या लगेगा इधर टू, यही कह रहे थे, डिनोमिनेटर में क्या जाएगा नहीं आएगा, टू लॉग मॉड एक्स प्लस टू है माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस वन आएगा, पहले ये आगे हटाना पड़ेगा, ये क्या होता है पावर बन जाती है, लॉग मॉड में एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस लॉग मॉड में एक्स प्लस वन लॉग मॉड एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वन। अब मैं डाल दूंगा आई के लिए क्या लिमिट, कितनी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वन, लिमिट क्या डालूंगा बेटा वन से टू, क्या हो जाएगा सर लॉग मॉड टू प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन माइनस लॉग मॉड में वन प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन में वन प्लस वन, ठीक है। लॉग टू प्लस टू कितना होगा बेटा फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बाय थ्री माइनस लॉग थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन बाय टू क्या हुआ मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड, क्योंकि लॉग जब माइनस होता है क्या होता है डिवाइड, सर क्या हो जाएगा सिक्सटीन बाई थ्री इंटू में टू बाय नाइन रेसिप्रोकल, तो कितना आ रहा है लॉग थर्टी टू बाय ट्वेंटी सेवन, राइट। पर ये आंसर नहीं होगा, पीछे चेक करके देख लो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसे यहीं पे आंसर छोड़ दिया, वाह लो फिर तो काम और भी आसान हो गया। नहीं नहीं वैल्यू तो आप लॉग की निकाल ही सकते, ठीक है।
क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है लॉग की वैल्यू निकालना। मैं कहता हूँ इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, बता दूँ इसका लॉग 32 है और क्या है अपॉन में 27। सो ऐसे मैं चाहो इस वे में भी लिख सकता हूँ, कैसे अगर मैं इसे सेपरेट करता, मेरे पास एक ऑप्शन ऐसे भी है लिखने का। एक मिनट रुकना, बाकी बेटर वैसे ये रहेगा, सही कह रहे हो, 2 की पावर 5 माइनस लॉग 3 का क्यूब, तो पावर आ जाती है 5 log 2 माइनस 3 log 3। हाँ ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक सेकेंड एमसीक्यू के क्वेश्चन के अंदर आपके इस फॉर्म में भी आ सकता है आंसर। मान लो 1 or 2 मार्क्स के लिए तो बेस्ट चाहिए, 2 or 3 मार्क्स के लिए ये बेस्ट है, बट एमसीक्यू के अंदर क्योंकि ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है तो ये ऑप्शन भी आ सकता है। ये ना कहीं देख के कंफ्यूज हो गए सर ये क्या था, किसकी वैल्यू है, वैल्यू लॉग टू एक्सपोनेंशियल ई पे होता है, लॉग बेस ई है, कॉमन लॉग नहीं है, बेस 10 नहीं है, गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करोगे एक बार, क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 7.9 का ही अभी, तो क्वेश्चन 7 क्या है, आई इज इक्वल्स टू 0 से π/4 टैन ऑफ सी एक्स। करिए से चलिए करते हैं इसका इंटीग्रेशन। लॉग मॉड sec x 0 से π/4 log क्या हो जाएगा, sec π/4 माइनस log sec 0, sec π/4 कितना होता है बेटा, log रूट 2, और sec 0 कितना होता है, sec 0 नॉट डिफाइंड, वेरी गुड, sec पे 0, अच्छा cos 0 कितना होता है 1, तो sec क्या होगा उसका रेसिप्रोकल log 1, log 1 कितना होता है 0, log रूट 2, बस खत्म करनी है था हमसे, बिकॉज log रूट 2 इज log 1 इज 0, क्लियर। cos 0 1 होता है, देखो cos 0 1 होता है, sec क्या होता है रेसिप्रोकल, तो sec 0 भी क्या होगा 1 के नीचे क्या होता है, ए बच्चों के दिमाग में ये आता है कि sec 0 इज आल्सो 0, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 कैसे होगा, सिर्फ एक डिस्कस के लिए मुझे चाहिए, डिस्कशन के लिए 16 और 18 छोटा सा आंसर डिफरेंट है क्या है, 1/log√2। अरे मेरे बच्चा उसने क्या करा, यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, log रूट टू को क्या लिख सकता हूँ, उसने 1/2 log 2 लिखा होगा, ये होगा रूट टू का मतलब पावर हाफ, पावर आ गया अभी 1/2 log 2। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें करा रहे थे 16 कैसे होगा, रेटिंग कैसे होगा, एक मिनट 16 मेरे को सिर्फ हिंट देना है, आई इज इक्वल्स टू 1 से 2 5x² अपॉन में x² + 4x + 3। हाँ जी सर कैसे होगा, पहले क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, पॉइंट क्लियर है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये, पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा एक मिनट तुमको बोलने देते, आपने पहले आंसर बोल दिया, 0 से π sin²x - cos²x, इसको देख के किसकी याद आई, ये हुई ना गलत बात, कोई और बताएगा, ये 7.3 का क्वेश्चन है,
अगर मैं माइनस कॉमन ले लू तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये किसका फॉर्मूला है, ये तो कॉस टू एक्स का, क्लियर हो जाएगा बाकी। अब तो नॉर्मल डायरेक्ट ही कॉस के साथ इंटीग्रेशन, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टू एक्स बाय टू, क्लियर। अच्छा एक सेकंड और रुकना जरा, कौन सा क्वेश्चन है मेरा, ये था 7.9 का क्वेश्चन 18, हाँ ठीक है ये हो गया हमारा। ठीक है अब आती है एक्सरसाइज 7.10, तो इसे नोट करो पहले।